हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं फिजिक्स, जिसमें आज का हमारा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 3 नंबर के लिए टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य। ये कैसे होता है इसका व्यंजक हम बहुत अच्छे से समझेंगे। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको आज का वीडियो नॉलेज से भरपूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं ये होता क्या चीज़ है, इसका व्यंजक कैसे बनता है। ठीक, तो देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र कहा है ये, तो मैं एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। एक समान विद्युत क्षेत्र, ये एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं हम लोग। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, वेक्टर ई, वेक्टर ई, वेक्टर ई और ये वेक्टर ए। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र हम बना लेते हैं। अब इस पर हम एक विद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं इस तरह से। अभी पहली स्थिति में हम विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर रखेंगे, विद्युत क्षेत्र के समांतर बिल्कुल। ठीक, इस तरह से रखेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव का नाम यहाँ पे होता है ए और ये होता है बी। बी पर रखेंगे माइनस क्यू आवेश, ए पर रखेंगे प्लस क्यू आवेश। इनकी प्रभावी लंबाई क्या होता है, 2a। क्या होता है प्रभावी लंबाई, 2a है। जब विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर रहेगा तो वह साम्यावस्था में होगा। साम्यावस्था मतलब उस पर बल कार्य नहीं करेगा। अब इस विद्युत द्विध्रुव को, ये आपका जो विद्युत द्विध्रुव है इसको हम क्या करेंगे, घुमाएंगे। ठीक, इस तरह से ये घूमेगा आपका इस तरह से। तो इस तरह से जब हम घुमाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा, बिना कार्य के घूमेगा क्या वो, नहीं। तो विद्युत द्विध्रुव को हम जब घुमाएंगे तो अंतिम में ये विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना लेते हैं। ठीक, देखिए कैसे घूमेगा ये, यहाँ से कुछ इस तरह से घूम जाएगा ये। चलिए यार छोटे से घुमा देते हैं इस तरह से, डायरेक्शन देखें। ठीक, यहाँ पे यहाँ तक घूम जाता है ये। जब घूमेगा तो विद्युत क्षेत्र के साथ क्या करेगा ये, थीटा कोण बनाते हुए रखा जाएगा। विद्युत क्षेत्र के साथ वो थीटा कोण बनाते हुए रखा जाएगा। ठीक, इनको बड़ा बनाओगे क्या, चलो रहने दो, चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ आ जाएगा। तो जब विद्युत द्विध्रुव को हम घुमाएंगे ये किस तरह से घूमेगा, इनके घूमने की जो दिशा है वो एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब जैसे ही घूमेगा तो विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा जाएगा ये। अब यहाँ पर जो ए है या प्लस क्यू है वो यहाँ आ जाएगा, प्लस क्यू, और ये जो माइनस क्यू है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक, प्रभावी लंबाई इनका हो जाएगा 2a। क्या हो जाएगा, 2a। बस छोटा सा है इस चित्र में, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इस चित्र का। हिंदी में आपको क्या लिखना है, इस चित्र को आप अच्छे से समझिए। तो देखिए क्या है, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए और बी आपका एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिनकी प्रभावी लंबाई 2 है, जो एक समान विद्युत क्षेत्र में ये साम्यावस्था में रखा हुआ है। ठीक, एक समान विद्युत क्षेत्र में साम्यावस्था में रखा हुआ है। जब विद्युत द्विध्रुव को हम घुमाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है। जब ये घूम जाता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा होता है। घूमने के बाद विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए ये रखा होता है। घूमा तो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण काम करेगा, क्योंकि जब कोई द्विध्रुव घूमता है तो वहाँ पर आघूर्ण काम करता है। इसका व्यंजक क्या बने, कैसे बनेगा, देखिए व्यंजक बनेगा इनका। स्टार्ट करेंगे हम प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण से। प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, बोलिए क्या होता है सूत्र, पिछला वीडियो देखे हैं तो टाउ बराबर पीई साइन थीटा, टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा। अब बताइए मुझे ये द्विध्रुव एक बार में थीटा कोण बना लेगा क्या, नहीं। ये कुछ ऐसा है इस तरह से, जब ये घूमेगा तो धीरे से घूमेगा कुछ इस तरह से। ठीक, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा। तो ये छोटे छोटे कोण बनाते हुए घूमते हैं। तो छोटा सा कोण हम इसको लेते हैं अल्पकोण, जिसे हम बोलते हैं डी थीटा। क्या बोलते हैं, डी थीटा। एक साथ डायरेक्ट नहीं घूम पाएगा, एक साथ डायरेक्ट नहीं घूम पाएगा, तो धीरे धीरे छोटे छोटे कोण बनाते हुए ये घूमता है। तो सबसे पहले हम द्विध्रुव को डी थीटा कोण से घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे, डी थीटा कोण से। तो यहां लिखेंगे द्विध्रुव को अल्पकोण, द्विध्रुव को अल्पकोण, अल्प
कोण डी थीटा से घुमाने में किए गए कार्य से घुमाने में किया गया कार्य। कार्य का सूत्र क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। ठीक, कार्य, कार्य को हम लिखेंगे W, अल्प कार्य हुआ है क्योंकि डी थीटा छोटे से कोण से घुमाई विद्युत ध्रुव। देखिए ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, थोड़ा सा घुमा ऐसे, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा डी थीटा कोण से, तो कार्य का मान में डी लगेगा, अल्प कोण, अल्प कार्य। ठीक, बल, बल क्या है आपका? टाउ, क्योंकि यही घुमाता है, बल युग्म का गुण, तो ये हो जाएगा टाउ। विस्थापन, विस्थापन कितना विस्थापित हुआ है? डी थीटा कोण से विस्थापित हुआ है। ठीक, देखिए बड़ा सा, देखिए ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये आपका एक डी थीटा है, ऐसे बहुत सारे डी थीटा बनेंगे इसमें, तो हम एक डी थीटा से घुमा रहे हैं, तो डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य विस्थापन हो जाएगा आपका डी थीटा। टाउ का मान रख दीजिए यहाँ पे, तो डी डब्ल्यू का मान मिल जाएगा हमें, टाउ का मान है पी ई साइन थीटा और ये डी थीटा। अब विद्युत ध्रुव जब क्षेत्र के समांतर रखा है यहाँ पे, तो ये जीरो अंश का कोण बनाते हुए रखा है। अब विद्युत ध्रुव आपका क्षेत्र के समांतर था इस तरह से, ठीक, तो यहाँ पे थीटा बराबर जीरो अंश का कोण था। कितने अंश का कोण था? जीरो अंश का कोण था। जैसे ही वो छोटे छोटे डी थीटा में घूमते 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 यहाँ पे गया और ये थीटा का कोण बनाया, तो ये जीरो से थीटा में पहुँचा। कहाँ पहुँचा? जीरो से थीटा में, तो जीरो से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, तो इसको हम लोग लिखेंगे द्विध्रुव को, द्विध्रुव को थीटा बराबर जीरो अंश, सबसे पहले वो जीरो अंश में था, थीटा बराबर जीरो अंश से थीटा बराबर थीटा, थीटा बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, तक घुमाने में किया गया कार्य, इनको मिटा, तक घुमाने में किया गया कार्य। अब ध्यान से देखिए, संपूर्ण कोण से घूम गए, जितना घूमना चाहता था वो घूम गया, तो काम हमारा पूरा हो जाएगा, कार्य हमारा संपूर्ण हो जाएगा। जब कार्य का मान पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे हमें डी लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये सिर्फ आएगा डब्लू। क्या आएगा? डब्लू। यहाँ पे छोटे छोटे कोण डी थीटा बहुत सारे हैं, छोटे छोटे कोण डी थीटा बहुत सारे हैं, उन सभी डी थीटा को जोड़ने के लिए हम समाकलन का चिन्ह प्रयोग करते हैं। समाकलन छोटे छोटे कणों के योग को दर्शाता है, छोटे छोटे यहाँ पे जो दूरियाँ हैं ना डी थीटा उसके योग को दर्शाता है। तो जैसे ही समाकलन लगाएं तो मान के चलेंगे कि पूरा जीरो से थीटा घूम गए, लिमिट ले लीजिए जीरो से थीटा का, तो जीरो और ये थीटा, बगल में क्या है? पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, फिर डब्लू का मान आपको मिल जाएगा, पी ई बाहर निकल जाएगा, अच्छा डी थीटा बचा हुआ है, डी थीटा, जीरो से थीटा और ये साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का समाकलन क्या होता है? साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ आएगा माइनस कॉस थीटा। क्या आएगा? माइनस कॉस थीटा, लिमिट है जीरो से थीटा, जीरो से थीटा, ये है इसका लिमिट, जीरो से थीटा लिमिट है। साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस, माइनस को पहले बाहर निकालिए आप, माइनस को पहले आप बाहर निकालिए, तो माइनस बाहर निकलेगा तो डब्लू का मान मिलेगा आपको माइनस पी ई और कोष्टक में मिलेगा कॉस थीटा और ये जीरो से थीटा डिग्री, जीरो से थीटा। लिमिट का प्रयोग कैसे करते हैं आपको मालूम है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा माइनस पी ई अपर लिमिट, थीटा की जगह थीटा ही आएगा, तो कॉस थीटा और थीटा की जगह एक बार जीरो, माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, तो माइनस पी ई ये कॉस थीटा, माइनस कॉस जीरो अंश का मान क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक, ये कार्य का मान निकल रहे हैं ना। माइनस को हम अंदर गुणा करेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, एक बनेगा प्लस, कॉस बनेगा माइनस, तो कार्य का मान आपको मिल जाएगा पी ई वन माइनस कॉस थीटा। क्या मिलेगा?
पी ई वन माइनस कॉस थीटा। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को घुमाने में कार्य किया जाता है उसका व्यंजक आपका ये है W बराबर पी ई वन माइनस कॉस थीटा। गर्मी बहुत ही ज़्यादा अधिक है, मैं पूरा पसीना में नहा लिया हूँ यहाँ पे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।